कोनिडेला रामचरण तेजा तेलुगु सिनेमा के एक मेगा पावर स्टार एक्टर हैं। खूबसूरत और दमदार पर्सनालिटी के मालिक, साथ ही इनकी एक्टिंग स्किल के तो सभी दीवाने हैं। ये तेलुगु फिल्मों के हाईएस्ट पेड एक्टरों में से एक हैं। इन्होंने अपनी फिल्मों के लिए कई अवार्ड जीते हैं, साथ ही 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 नंदी अवार्ड भी जीते हैं। साथ ही फोर्ब्स की 100 इंडियन सेलिब्रिटी में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। चिरंजीवी जैसे मेगा स्टार का बेटा होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी एक्टिंग व पर्सनालिटी से खुद की एक अलग पहचान बनाई। चलिए अब बात करते हैं रामचरण के टॉप 7 मूवीज की। काउंटडाउन के 7वें पायदान पर है फिल्म ब्रूस ली द फाइटर, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन और कॉमेडी से भरपूर मूवी है। फिल्म में रामचरण के साथ मुख्य रोल में हैं रकुल प्रीत, अरुण विजय, संपत राज, नाडिया मोइडू, कीर्ति खरबंदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्रेणु वाइटला ने। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 76% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। बात करते हैं इस मूवी की, तो मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़का कार्तिक अपने पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए खुद न पढ़ के अपनी बहन को पढ़ाई में आगे बढ़ाता है और खुद बड़ा होकर फिल्मों में स्टंट मैन का काम करता है। जब उसकी बहन IAS की परीक्षा देने जाती है तो उसे झूठे केस में फंसाने की साजिश होती है और उसकी बहन इस कारण चुपके से अपनी जान देने की कोशिश करती है। कार्तिक उसे बचाता है और कारण पूछता है। फिर उसकी लड़ाई बड़े और धनी लोगों से शुरू हो जाती है, जो उसकी बहन व उसके परिवार को जान से मारना चाहते हैं। तो क्या वह अपने परिवार की सुरक्षा कर पाता है और क्या उन्हें सबक सिखा पाता है, यही इस मूवी की कहानी है। ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। फिलहाल ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है। काउंटडाउन के 6वें पायदान पर है साल 2014 में रिलीज हुई मूवी यवडू। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 78% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। फिल्म में रामचरण के साथ मुख्य रोल में हैं श्रुति हसन, एमी जैक्सन, साई कुमार, राहुल देव। वहीं फिल्म में अल्लू अर्जुन व काजल अग्रवाल ने एज ए गेस्ट अपीयरेंस काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है वामसी पेडीपल्ली ने। बात करें इस मूवी की, तो मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने दुश्मनों के हमले में बुरी तरह घायल हो जाता है। उस हमले में उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। जब वो ठीक होता है तो देखता है कि उसका चेहरा बदल चुका है। इसके बाद वह अपने दुश्मनों को मारने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच कुछ लोग उस पर हमला करते हैं जिन्हें वह नहीं जानता। फिर उसे पता चलता है कि यह चेहरा किसी और व्यक्ति का है। तो क्या वह अपने दुश्मनों को खत्म कर पाता है या नहीं, और यह नया चेहरा किसका है, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। यह मूवी अभी यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। काउंटडाउन के 5वें पायदान पर है साल 2010 में आई मूवी ऑरेंज, जो रोमांटिक और ड्रामा से भरपूर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 83% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म में मुख्य किरदारों में रामचरण के साथ हैं जिनेलिया डिसूजा, सिद्धू, नगेंद्र बाबू। वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया है भास्कर ने। अब बात करते हैं इस मूवी की, तो मूवी है एक ऐसे लड़के राम की जो NRI है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जानू नाम की लड़की से प्यार करने लगता है। जानू भी राम से प्यार करती है, पर राम उससे कहता है कि वह पूरी लाइफ उससे प्यार नहीं करेगा क्योंकि वह प्यार को लाइफ टाइम चलने वाली चीज नहीं मानता है और जानू से पहले भी उसकी लाइफ में 9 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसके बाद जानू का क्या रिएक्शन होता है और क्या दोनों आगे चलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या राम की प्यार को लेकर सोच बदलते है, यही मूवी की कहानी है। यह मूवी अभी यूट्यूब पर उपलब्ध है। काउंटडाउन के 4 पर आती है साल 2016 में रिलीज हुई मूवी ध्रुवा, जो एक्शन व थ्रिल से भरपूर है। यह मूवी तमिल मूवी थानी ओरुवन 2015 का ऑफिशियल रीमेक है। ध्रुवा मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 80% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने। फिल्म में रामचरण के साथ मुख्य भूमिका में है अरविंद सैनी, रकुलप्रीत सिंह, नवदीप। दोस्तों फिल्म में रामचरण के वॉइस को हिंदी में ऑफिशियल डब किया है बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने। वहीं विलेन बने अरविंद सैमी को आवाज दी है अरबाज खान ने। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में ध्रुवा एक यंग IPS ऑफिसर है जो शहर में हो रहे क्राइम को रोकने का प्रयास करता है। इस बीच उसे पता चलता है कि ये क्राइम मुख्य रूप से पुलिस को गुमराह करने के लिए हो रहा है और इसके पीछे बड़ी मेडिसिन कंपनियां हैं। ध्रुवा देश में विदेश की मेडिसिन कंपनियों द्वारा आ रही दवाओं को लोगों तक कम दाम में पहुंचाना चाहता है, पर भारत की कई मेडिसिन कंपनियां इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है क्योंकि इससे उनकी महंगी दवाएं बिक नहीं पाएंगी। इसके लिए ये मेडिकल कंपनियां माफिया और बड़े लोगों का सहारा लेती हैं। ध्रुवा इनमें शामिल 3 मुख्य माफियाओं को टारगेट करता है, पर वह तब हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि इन 3 माफियाओं के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है, तो वह उसको अपना टारगेट बनाता है। तो क्या वह उस मास्टरमाइंड को रोक पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। यह मूवी अभी यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है।
काउंटडाउन के नंबर 3 पर है साल 2009 में आई मूवी मेगाधीरा। मेगाधीरा का हिंदी मतलब होता है महान योद्धा। यह एक्शन व ड्रामा से भरपूर मूवी है। मेगाधीरा को डायरेक्ट किया है SS राजमौली ने, जिन्होंने बाहुबली और RRR जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई हैं। मेगाधीरा को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। फिल्म में रामचरण के साथ हैं काजल अग्रवाल, श्रीहरि, देवगिल और सुनील। बात करें इस मूवी की तो मूवी में हर्ष और इंदु एक दूसरे से प्यार करते हैं। रघुवीर इंदु के पिता को मार देता है और इसका इल्जाम हर्ष पर लगा देता है और उसे घायल करके इंदु को लेकर चला जाता है। वहीं हर्ष को याद आता है कि उसका और इंदु का साथ पुनर्जन्म का है, जो 400 साल पहले का है। इसके बाद क्या होता है, इसके लिए आपको मूवी को देखना होगा। यह मूवी हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है। काउंटडाउन के नंबर 2 पर है मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी रंगस्थलम 1985, जो 2018 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन ड्रामा व सस्पेंस से भरी हुई मूवी है। इसमें रामचरण ने चिट्टी बाबू, जो थोड़ा बहरा है, इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। रंगस्थलम को IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। फिल्म में रामचरण के साथ मुख्य भूमिकाओं में है समंथा एकनैनी, अधि, अनुसुईया भारद्वाज, प्रकाश राज और जगतपति बाबू। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। बात करें मूवी की तो मूवी है एक ऐसे आदमी की, जो थोड़ा बहरा है, और उसके बड़े भाई की, जो गांव की सोसाइटी द्वारा किसानों पर लगाए जा रहे झूठे कर्ज व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सोसाइटी के ऐसा करने की बड़ी वजह उस गांव का प्रेसिडेंट है, जो बहुत ही बेईमान और अत्याचारी व्यक्ति है। दोनों भाई उसके खिलाफ खड़े होते हैं, साथ ही गांव में हो रही रहस्यमयी हत्याओं का पता लगाते हैं। वह किस हद तक प्रेसिडेंट से गांव के लोगों को बचा पाते हैं, यह जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो बता दूं कि इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको हैरान कर देगा। यह मूवी YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है। काउंटडाउन के नंबर 1 पर है इस साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन व ड्रामा से भरपूर मूवी RRR। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। फिल्म में रामचरण के साथ मुख्य भूमिकाओं में है एंटी रामा राव जूनियर, अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस और रे स्टेवेंसन। फिल्म को डायरेक्ट किया है SS राजमौली ने। बात करें मूवी की तो मूवी की कहानी 1920 के दो क्रांतिकारियों की और उनके अपने घर से दूर संघर्ष की कहानी है। वो दोनों अपने अपने तरीके से ब्रिटिश एम्पायर से लड़ते हैं, जो देश में लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और देश की संपत्ति को लूटते हैं। वो दोनों किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर से लड़ते हैं और किस हद तक सफल होते हैं या नहीं होते हैं, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। यह मूवी YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है।